और चलिए इस वक्त उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर आ रही है। उधम सिंह नगर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उधम सिंह नगर में 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की आज पुष्टि हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3 मरीजों का जिला अस्पताल रुद्रपुर से सैंपल लिया गया था, जबकि 1 मरीज का खटीमा अस्पताल से सैंपल लिया गया था। इसके बाद आज जिले में 4 और जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से, जहां पर सभी संक्रमित मरीज अन्य राज्यों से पहुंचे हैं, बाहर से पहुंचे हैं, और उसमें से 4 लोग आज ठीक हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 67 हो गई है, जबकि जिले में ये संख्या 13 पहुंच गई है। तो उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिले में 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की आज पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर, 3 मरीजों का आज जिला अस्पताल रुद्रपुर से सैंपल लिया गया था, जबकि 1 मरीज का खटीमा अस्पताल से सैंपल लिया गया था। तो उधम सिंह नगर में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या अब 13 हो गई है, जबकि 4 की रिपोर्ट आज जो है पॉजिटिव आई है। जिले में अब संक्रमित मरीज 13 हो गए हैं। तो आपको बता दें कि उधम सिंह नगर से जो बड़ी खबर हमें मिली है वो यही है कि सभी संक्रमित मरीज अन्य राज्यों से पहुंचे से थे, जिसमें से 4 लोग ठीक हो चुके हैं। अब प्रदेश में 67 जो है मरीजों की संख्या हो गई है, जबकि ज़िले में 13 मरीज हो गए हैं। तो उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जनपद में 4 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है, आज ये पुष्टि हुई है। बड़ी खबर, 3 मरीजों का जिला अस्पताल रुद्रपुर से सैंपल लिया गया था, जबकि 1 मरीज का खटीमा अस्पताल से सैंपल लिया गया था। तो उसके बाद चारों की रिपोर्ट जो है आज वो पॉजिटिव आई है, और आज पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन ज़िले में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। तो संख्या 13 पहुंच चुकी है, जनपद में 13 मरीज हो चुके हैं उधम सिंह नगर में, जिसमें से 4 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 67 हो गई है, जबकि ज़िले में कुल मरीजों की संख्या 13 हो गई है। यानी उधम सिंह नगर भी रेड जोन में है, और ये अच्छी खबर नहीं है उधम सिंह नगर के लिहाज से, यहाँ के लोगों के लिहाज से, कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। निश्चित तौर पर अगर इसी तरह से संख्या बढ़ती रही तो जो प्रशासन ने ढील दी है वो उस ढील में जो है कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि आप सतर्क रहें, उत्तराखंड टीवी आपसे यही अपील करता है। तो आपको बता दें कि आज